गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ज्योति ऑफिशियल। और आज है शिवरात्रि और हैप्पी शिवरात्रि मेरी तरफ से। तो सुबह के 4 बजे हैं, 4 बजे मैं उठ चुकी हूँ। बस थोड़ी सी घर में झाड़ू लगाएंगे, नहा धो के, फिर झाड़ू लगा के नहा धो के फिर जाएंगे मंदिर में, क्योंकि मैं सुबह के टाइम ही जब मंदिर जाती हूँ 4:30 या 5 बजे के करीब जाती हूँ, क्योंकि बाद में ना 10 जो मतलब लेट हो जाता है, 9, 9:30, 10 ऐसे बजे तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है मंदिर में, बहुत ज़्यादा। वही फिर धक्का मुक्की धक्का मुक्की धक्का मुक्की भी ऐसे रहता रहता है, अच्छे से दर्शन भी नहीं हो पाते भगवान जी के। तो बस मैं सुबह ही निकल जाती हूँ, और फिर थोड़ा ना वीडियो बनाने में दिक्कत रहता है, क्योंकि फैम वहाँ पर ना भीड़ इतनी होती है, तो फिर ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है वीडियो बनाना। क्या पता चला किसका कैसा माइंड है, कैसा दिमाग है, कौन कौन क्या बोल दे, इसलिए तो मैं सुबह जल्दी ही चले जाती हूँ। तो फिर मैं उठ चुकी हूँ, 4 बज चुके हैं, बस हम नहा धो के निकलेंगे और बच्चे भी जाएंगे। बच्चों का भी फास्ट है, मतलब कि जो बेटी है उनका फास्ट है, तो नहा धो के निकलेंगे। और आज इतनी धुंध है, इतनी धुंध है बहुत ज़्यादा, आस पड़ोस के घर भी नहीं दिख रहे, बहुत ज़्यादा धुंध है। तो चलते हैं, फ़ोन की टॉर्च लगे जाएंगे और अपना काम निपटा के आएंगे। तो बस जल्दी से मैं पानी गर्म करती हूँ और झाड़ू लगाती हूँ, उसके बाद फिर रेडी सेडी होके, रेडी तो क्या होना है, बस सिंपल सा जाना, तो रेडी सेडी होके जाएंगे मंदिर और दर्शन करके आएंगे। तो मंदिर दिखाऊंगी मैं आपको, जितना हो सकेगा उतना दिखाऊंगी, क्योंकि धुंध हो रही है, धुंध में क्या दिखेगा, तो अंदर का दिखाएंगे आपको जितना हो सकेगा उतना। तो चलिए फिर मिठाक से रेडी होते हैं, फिर चलते हैं। बस अब रेडी होके निकल चुके थे हम मंदिर के लिए, और बाहर बहुत ज़्यादा कोहरा था, बहुत ज़्यादा ठंड थी, कुछ दिख ही नहीं रहा था। देख सकते हैं आप लोग कितनी ठंड पड़ी हुई, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही। और ये है हमारे गांव का मंदिर। तो मंदिर भी अच्छे से दिख नहीं पा रहा है, इतना मतलब इतनी धुंध है ना, तो मंदिर भी नहीं दिख पा रहा है अच्छे से। और बाहर तो आपने देखा ही होगा कितनी धुंध थी, तो बस अंदाजे से ही चल के आए हैं, टॉर्च जला के फोन की। तो ये है हमारा मंदिर और अंदर से कुछ ऐसा है। तो चलिए फिर चलते हैं अंदर, और इसके बाद फिर जो पार्वती माता थी उनको वस्त्र पहनाए गए थे, और काफ़ी अच्छी ड्रेस थी, सिली थी उनकी, तो उनको पहले वस्त्र पहनाए थे हमने, पहले नहलाया था, फिर उनके बाद वस्त्र मतलब फैलाया था उनको। तो उसके बाद फिर जो पूजा होती है वो की थी। तो काफ़ी अच्छा मंदिर है, बहुत सुंदर मंदिर है, और बड़ा बहुत काफ़ी बड़ी जगह में भी है। तो ये देखिए हम सब लोग मिलके पूजा कर रहे हैं, इधर एक मतलब दीदी थी गाँव की, तो वो भी बैठे थे हमारे पास और वो भी पूजा कर रहे थे, हम भी पूजा कर रहे थे। तो सबसे पहले पूजा मेरी ही थी, अब की बार मंदिर में, तो सबसे पहले मुझे ही दर्शन हुए थे भगवान जी के। तो सेकंड ये दीदी थी और सबसे फर्स्ट मैं थी, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं थोड़ा जल्दी आ गई, तो सबसे पहले दर्शन मेरे ही हुए। तो बस ऐसे पूजा की थी, पानी वगैरह चढ़ा दिया था। और मंदिर से आ चुके थे, उसके बाद फिर चाय पानी पिया, रिकॉर्ड मैंने कुछ किया नहीं क्योंकि बाहर इतनी ठंड थी ना, तो हाथ पैर बिल्कुल ठहर चुके थे। तो आते ही रजाई में घुस गए और फिर चाय वगैरह पी, तो रिकॉर्ड नहीं कर पाई। उसके बाद फिर थोड़ा रेस्ट किया क्योंकि 4 बजे उठे थे, और फिर बाकी लोग उठे भी नहीं थे, फिर काम करके क्या फ़ायदा आया। तो
बस फिर थोड़ा देर लेटे रेस्ट किया, ठंड वगैरह जो हाथ पैर कांपे थे वो थोड़ा रजाई बढ़ के ठीक किया उनको। तो फिर वो थोड़ी देर के बाद उठे, फिर थोड़े वो सुबह 7:30 बजे उठे, मम्मी भी उठ गई थी, और उसके बाद फिर चाय पानी भी बनाया दोबारा से मम्मी के लिए, खुद के लिए। उसके बाद फिर घर की क्लीनिंग वगैरह हो गई थी, काम हो गया था सारा, तो घर के जो जिसका फास्टिंग था उसके लिए खाना वगैरह बनाया। और फिर बज गया था 1:00, 1:00, तो फिर मैंने बनाए आलू छोक के, जिसके मतलब फास्ट में खाए जाते हैं, सिंधा नून सिंधा नमक डाल के, काली मिर्च डाल के, वैसा कुछ बनाया था। तो मैं क्या, अगर मैं अकेले रहती हूँ तो मैं कुछ नहीं बनाती, बस चाय पानी पी लेती हूँ। तो लड़कियाँ थी, लड़कियों का फास्ट था तो बच्चों पे नहीं रह जाता खाली पेट, तो उनके लिए आलू बनाए थे। और शाम को फिर देखते हैं क्या बनाते हैं। मोस्टली तो मेरे यहाँ पे सामक के जो साबूदाना होता है ना, उसकी खिचड़ी बनाई जाती है, और दूध में बनाती है, पर दूध में मेरे यहाँ पे कोई खाता नहीं है, क्योंकि मुझे भी इतना मीठा पसंद नहीं है और बच्चों को भी इतना मीठा पसंद नहीं है। तो मैं शायद देखते हैं खिचड़ी बनाएंगे उसकी, सामक 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 ही बोलती हैं उसको, साबूदाना बोलते हैं, सामक बोलते हैं, क्या बोलते हैं पता नहीं। तो उसकी खिचड़ी बनाने वाले हैं और मैं आपके साथ शेयर करूंगी, तो जैसे जैसे मैं आपके साथ शेयर करूंगी तो प्लीज़ लाइक। तो ये है टमाटर, साथ में हरी मिर्च है और हरा धनिया है। तो मैंने जो पिछला ब्लॉग डाला था शिवरात्रि का, तो उसमें वो काफ़ी कमेंट आए थे कि हल्दी नहीं खानी चाहिए, हरी मिर्च नहीं खानी चाहिए। तो भैया जैसे कि हमारे घर पे करते हैं तो मैं वैसे ही करती हूँ, क्योंकि मेरी मायके में भी हरी मिर्च और जो हल्दी होती है वो खाई जाती है, और मेरे यहाँ पे भी ऐसा ऐसा ही देखा है, मैंने ऐसा ही खाया जाता है। तो जैसे मेरे घर पे किया जाता है तो मैं वैसे ही फॉलो कर रही हूँ। तो सबका घर का अलग अलग तरीका होता है, तो अपने हिसाब से सब मैनेज कर लेते हैं। तो मेरे घर पे ऐसा ही होता है तो मैं ऐसे ही करती हूँ। तो बस सब मैंने कढ़ाई ले ली है, सिलेंडर मैंने ले लिया है, घी और जीरा डाल के, और जो प्याज टमाटर थे और जो मिर्च थी वो मैंने अच्छे से भून ली है, और मैंने काली मिर्च ऐड की है और थोड़ी सी हल्दी हल्दी ऐड की है इसमें, और जो आलू मैंने उबाल के रखे थे वो इसमें मैंने फोड़ के डाल लिए हैं, और जो सिंधा नमक है मैं इसमें ऐड कर लूँगी और अच्छे से मिक्सअप कर लूँगी। और जो ये फास्ट वाले आलू होते हैं ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। अगर मैं तो ना जैसे अगर मेरा बर्थ नहीं आया तो मैं ऐसे ही उसको बना के खा लेती हूँ, पर जैसे मेरे जो मसाले होते हैं ना जो हम डेली रूटीन में यूज़ करते हैं, अगर वो उसमें ऐड करते हैं तो इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता है जो कि फास्ट वाली चीज़ें डाल के आते हैं। जैसे कि सिंधा नमक हो गया, काली मिर्च वगैरह हो गई ना, उस वो ऐड करते हैं तो उसमें अलग ही टेस्ट आता है। तो मैं ऐसे ही बना के खाती हूँ कभी कभार मेरा मन करता है तो। उसके बाद फिर मैंने धनिया डाल दिया है, वो साथ के साथ मैं सबको डाल डाल के दे रही हूँ, क्योंकि ना गरम गरम ही अच्छे लगते हैं खाने में, ठंडे अच्छे मिलते हैं खाने में, तो इसलिए। और मैंने जो बेटे का वो दोनों का निकाल दिया था क्योंकि उनको कम धनिया पसंद है, और मैंने बाद में मेरे में बहुत ढेर सारा धनिया डाल लिया था क्योंकि मुझे धनिया बहुत पसंद है। तो ये देखिए ये है हमारे आलू गर्मा गर्म, और ये बहुत टेस्टी लगते हैं, तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं ऐसे। तो जैसे मतलब आपके बनते हैं तो आप उसी हिसाब से बना सकते हो, मेरे यहाँ पे ऐसे बनता है तो मैं ऐसे ही बना रही हूँ। तो उसके बाद फिर मैंने बीच का कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, चाय वाय पी थी और थोड़ी देर रेस्ट किया था। तो उसके बाद फिर शाम को बारी आती है सो सामक होता है मतलब उसकी खिचड़ी बनाने के लिए, तो उसके लिए मैंने आलू ले लिया है, टमाटर ले लिए, हरी मिर्च ले ली है और शिमला मिर्च ले ली है। तो बस उनको अच्छे से वॉश करके मैंने इसको काट लिया है, और एक कढ़ाई ले ली, कढ़ाई में सेम वही घी जीरा और जो भी सारी वेजीज हैं वो मैं अच्छे से पका लूँगी। तो मैंने हरी मिर्च डाल ली, साथ में मैंने डाल लिया आलू, तो आलू को टाइम लगता है पकने में, तो इसलिए मैंने सबसे पहले आलू लिया है, मैंने डाल दी हल्दी, और ये हल्दी जो हम डेली यूज़ करते हैं ना डेली रूटीन में, वो वाली हल्दी नहीं है, न्यू पैकेट ओपन किया है मैंने, तो वो हल्दी है डेली वाली नहीं है। तो फिर मैंने हल्दी डाल के उसको अच्छे से पका चला के और ढक दिया था मैंने, तो आलू मेरे गल चुके थे, काफ़ी हद तक गल चुके थे। उसके बाद फिर मैंने डाल दिया शिमला मिर्च, क्योंकि शिमला मिर्च जल्दी हो जाती है, आलू बहुत लेट होता है। तो सबसे पहले मैंने आलू उबाल कर लिया था बॉयल, और फिर उसके बाद फिर मैंने डाला था शिमला मिर्च। तो शिमला मिर्च भी मेरी थोड़ी देर में पक जाएगी, हल्का सा पानी डाल के इसको ढक के रख देंगे, अदरवाइज पानी नहीं डालेंगे तो ये नीचे लग जाएगी कढ़ाई पे, इसलिए मैं थोड़ा पानी इसमें ऐड कर देती हूँ। तो इसमें और कोई मसाला जाता नहीं है, बस काली मिर्च डाल दी मैंने, मेरे पास जो कि रेडीमेड था पैकेट वो ऐड कर दिया था, और मैंने सिंधा नमक डाल के अच्छे से जो वेजीज थी हमारी वो मैंने पका ली थी, और 2 मिनट में ही हमारी जो मसाला था पक के तैयार हो चुका था, अच्छी मतलब जिस जैसा मुझे चाहिए था वैसा हो चुका था ये। और उसके बाद जो मैंने साबूदाना है ये मैंने भिगो के रख दिया था थोड़ी देर के लिए अच्छे से वॉश करके, तो वो डाल दिया है। और पानी अपन अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, किसी को मतलब ढीला पसंद होता है, किसी को टाइट पसंद होता है, तो मेरे यहाँ पे ना तो ढीला पसंद है ना टाइट पसंद है, बीच बीच का खा लेते हैं अच्छा सा, जैसे खिचड़ी टाइप का होता है ना, जैसे कि हम नॉर्मली चावल की खिचड़ी खाते हैं वैसा ही हमारे यहाँ पर बनाया जाता है।
तो 5 मिनट में ये डन हो चुकी थी बनके, साबूदाने की खिचड़ी, और बहुत टेस्टी बनी थी। तो सबसे लास्ट में मैंने डाला इसमें कटा हुआ हरा धनिया, और धनिया डाल के मैं इसको 1 मिनट तक पकाऊंगी। थोड़ा ये धनिया टाइट था ना, इसलिए तो इसको 1 मिनट तक पकाएंगे। और इसमें कुछ नहीं जाता है, गरम मसाला वगैरह कुछ ऐड नहीं होता है। और ये बहुत टेस्टी बन रही थी खिचड़ी, और सबने खुश होकर खाई थी। हालांकि सब ने ही क्या, मतलब जो फर्स्ट नहीं करता वो भी ले लेता है थोड़ी सी, तो इसलिए। और बस अब गर्मा गर्म खाते हैं, क्योंकि जो मेरी मदर इन लॉ है, मीन्स मम्मी, तो वो बोलती हैं कि इस व्रत में दिन चढ़ने से पहले खा लिया करो। तो बस मैं ये दिन छपने से पहले मैं बना लेती हूँ जो खाना होता है, खाना पीना होता है व्रत में, और फिर अंधेरा होने से पहले हम खा भी लेते हैं। तो क्योंकि उनको सब पता होता है कि कैसे क्या करना होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम कर लेते हैं। फिर उसके बाद मैंने डाल दिया थोड़ा सा इसमें देसी घी, और तो फिर बस कहने क्या है। और बहुत टेस्टी बना था ये, और खा के बिल्कुल पेट भर गया था, आनंद आ गया था। तो ये देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है, खिचड़ी, वेज खिचड़ी। तो ये था मेरा ब्लॉग, आई होप के पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय।